Hi guys, welcome to BPrep, where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. Brother and sister both appear for an interview. The probability of selection of brother is 1 by 8, while the probability of rejection of sister is 4 by 5. Do log hai yahan pe, brother or sister. अब ब्रदर की इंटरव्यू में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/8 और सिस्टर की रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 4/5. तो इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है. तो ये सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी और ये रिजेक्शन का रेशियो, ठीक है, टिक वाला. वैसे इससे एक जो अपन वो गेम खेलते थे ना टिक क्रॉस वाला, वो याद आ गया. तो ये है 4/5. तो सिस्टर की रिजेक्शन की रेशियो 4/5 है, ब्रदर का सिलेक्शन का 1/8 है, ठीक है. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, इन दो में से सिर्फ एक एंड एक्सक्लूसिवली एक ही सेलेक्ट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को फाइंड करनी है. तो सबसे पहली गलती जो तुम करोगे वो हम भी करेंगे, वो ऐसे होगा कि इधर बी और एस, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर में से कोई एक सेलेक्ट होने वाला है यहाँ पे. तो ये क्लियर है बी और एस. और अब पता है और की जगह अपन प्रोबेबिलिटी में प्लस सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं जब कैलकुलेट करते हैं, और एंड रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो बहुत बेसिक है. तो अब यहाँ पे बी और एस, तो बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, एस के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, एस का 4/5 है रिजेक्शन का, तो सेलेक्ट होने का क्या हो जाएगा 1-4/5. तो ये कितना आ गया 1/5. तो एस का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो 1/8 इंटू 1/5 यहाँ पे आ गया बी और एस, सॉरी. तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 40 और 8 × 5 = 13, 13/40. अब अगर ये कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे 13/14 ऑप्शन आएगा और ये हो गया गलत, ठीक है. क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने जो डायरेक्टली बी और एस लिखा है इसमें एक चीज हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे जो करनी चाहिए, वो क्या है. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली वन, ये ध्यान देने वाली बात है. ओनली वन मतलब दो में से दोनों सेलेक्ट नहीं होने चाहिए और दो में से दोनों रिजेक्ट भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक सेलेक्ट होना चाहिए. तो अगर इस कंडीशन को हम लोग को सही से लिखना होगा तो वो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, बी एंड एस ब्रदर एंड सिस्टर है. अब ब्रदर सेलेक्ट हो रहा तो सिस्टर सेलेक्ट नहीं हो रही है, या फिर से बी एंड एस में इस बार सिस्टर सेलेक्ट हो रही है तो ब्रदर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ब्रदर सेलेक्ट हो रहा है सिस्टर नहीं, ब्रदर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो सिस्टर सेलेक्ट हो रही है, ठीक है. ये अपना ग्रुप बना. अब यहाँ पे एक चीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या है, एंड की जगह मल्टीप्लाई होगा और की जगह प्लस होगा और यहाँ वापस एंड की जगह मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज बिठा देना आंसर आ जाएगा. देखो कैसे, तो ब्रदर के सेलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी क्या है 1/8 इंटू सिस्टर के रिजेक्ट होने की प्रॉबिलिटी क्या है 4/5 प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, और ब्रदर के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सेलेक्ट होने का 1/8 है तो रिजेक्ट होने का 7/8, 1 माइनस वो कर देना उसका उल्टा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, प्लस 7/8. और सिस्टर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 अपन ने निकाली है, तो यहाँ पे हो गया 8/5 = 40, 4/40 7/40, ठीक है. तो 7 × 4 = 11 हो गया, 11/40 ये आ गया अपना आंसर. तो क्वेश्चन में जो ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, यही वाइटल था जिसमें हमको ध्यान देना था, ओनली वन एंड ओनली एक्सक्लूसिवली वन, ठीक है. तो ये एक तरीका हुआ. अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि पास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे अभी यहाँ पे वीडियो में कहीं पे आ रहा होगा यूट्यूब में सबसे ऊपर देखना सजेस्टेड वीडियो में, उसमें Z15 का एक क्वेश्चन था. तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि एक बंदा, उसका बर्थडे आने वाला है, उसने 3 ऑनलाइन शॉप से ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी बर्थडे से पहले एटलीस्ट एक शॉप से उसके पास ऑर्डर पहुंचेगी. तो ये क्वेश्चन है, देख लेना. उसमें हम लोगों ने अभी जो मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसी मेथड पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया, तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है. उसमें हम लोगों ने रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट यूज की है. क्या है रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाली? तो हमको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मतलब डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 - जो प्रोबेबिलिटी में नहीं हो सकती या हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं. अब देखो इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे हमको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज 1 -
अब जो जो नहीं चाहिए उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, हमको क्या क्या नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला कि दो में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि बोथ नॉट सेलेक्टेड, मतलब दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, या फिर दोनों साथ में सेलेक्ट हो गए, बोथ सेलेक्टेड। अब ये दो सिनेरियो छोड़ के बाकी सारे सिनेरियो आप हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है, राइट। अब इस केस में चूंकि चार ही सिनेरियो है तो दो हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे दो नहीं कर रहे हैं जो हमने इसमें रिवर्स वाले में किया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि प्रोबेबिलिटी नहीं कंसिडर करने का सिनेरियो एक या दो होगा और कंसिडर करने वाला सिनेरियो पाँच छः सात आठ ऐसे होगा, उन क्वेश्चंस में ये जो अप्रोच है वो ईजी रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस बोथ नॉट सेलेक्टेड, बोथ नॉट सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोथ नॉट सेलेक्टेड में अपन को सिर्फ सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बी एंड एस बोथ नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 7/8 × 4/5, और बोथ सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी एंड एस बोथ सेलेक्टेड, तो 1/8 एंड 1/5, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 और 1/5, तो ये बोथ सेलेक्टेड वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब इसको देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28/40, 1/40, 29/40, 1 − 29/40, 40 में 29 तो 11/40। अब यहाँ पे भी अपना वही आंसर आया, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन से मैच करता, तो ये तो जरूर देखना एक बार जाके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड टू देखा और मेथड वन देखा। इस क्वेश्चन में तुमको लग रहा होगा कि दोनों सेम ही है, या शायद यही थोड़ा लेंदी हो गया, ये इजी है, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टोटल चार प्रोबेबिलिटी हैं और यहाँ पे हमने दो कंसिडर किए, दो नहीं कंसिडर किए। जहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना, जैसे ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे उसमें कि तीन स्टोर से ऑर्डर किया, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ऐसे में ये मेथड प्रेफरेबल मेथड रहेगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे हमको कम कैलकुलेट करना पड़ेगा और वन माइनस करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions, please post in comments. And guys, please do subscribe to the channel by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.